हेलो फ्रेंड्स, मैं रॉनिक्स। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप एंड्रॉइड फोन में भी विंडोज के कोई वर्जन चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है लिम्बो, LIMBO। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे अनइंस्टॉल और ओपन दोनों ही ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि ये ऐप मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। और एक चीज़ चाहिए होगा आपको, वो है फाइल एक्सप्लोरर। वो इंस्टॉल करने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर चाहिए होगा, और अगर आपके फ़ोन में इनबिल्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये फाइल एक्सप्लोरर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में नहीं था इसलिए मैंने ये फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल किया है। तो मैंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लिम्बो नाम का फोल्डर, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने का लास्ट में दिखाई दे रहा है xp.img, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है। यहाँ पे सिर्फ इसको पेस्ट करना है जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो लिम्बो नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद पहले आपको दिखाई देगा लोड मशीन। यहाँ पे तो तीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले आपको दो ही दिखाई देगा, नन और न्यू। आपको यहाँ से न्यू करना है। यहाँ पे मशीन नेम मांगेगा, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया रॉनिक्स, RONYX। देखिए इसके बाद आएगा आर्किटेक्चर, सॉरी इसके बाद आएगा इंटरफेस। यहाँ पे HDL कर देना है आपको। उसके बाद आर्किटेक्चर में आपको करना है 86 तो दिखा रहा है, 64 आपको नहीं करना है, 86 ही करना है। उसके बाद आएगा CPU मॉडल आपको QMO 32 कर देना है। उसके बाद CPU कोर इसको 1 रखना है। आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको 1 ही करना है, 2 और 3 नहीं करना है। उसके बाद रैम हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 512। ये रहा हाँ 512। इसके बाद हार्ड डिस्क ए ओपन करेंगे, यहाँ पे नन होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करने से यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन करना है। और जो हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज फाइल है वो खुल के वहाँ से सिर्फ उसको सिलेक्ट करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले दिखाई देगा, उसको आपको STD कर देना है। और यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, नीचे आप आइए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फुल स्क्रीन पर टिक दिया हुआ है, ऐसे आपको फुल स्क्रीन पर टिक देना है। और ओरिएंटेशन जो है उसको लैंडस्केप करना है। इसके बाद यहाँ पे जो प्ले का ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे मतलब 2 or 3 minutes। ये आपके फ़ोन के हिसाब से, जैसे कि आपका फ़ोन थोड़ा अच्छा हो, मतलब उसका रैम अच्छा हो तो ये थोड़ा कम टाइम लगेगा। अगर थोड़ा आपका रैम कम हो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं XP ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे 7, 8, 8.1, 10 भी कर सक्ता था, लेकिन मैंने XP क्यों किया, क्योंकि जो 10 और 7, 8, 8.1 का इमेज फाइल होता है उसका साइज है 1 GB के ऊपर, और इसका साइज है वो 350 MB के पास आसपास। तो इसलिए मैंने ये XP यहाँ पे इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे सेम प्रोसेस करके आप लोग कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर ट्रेन चलाना चाहते हैं तो आप ट्रेन चला सकते हैं। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है। देखिए ये धीरे धीरे ओपन होगा, इसके लिए 2-3 मिनट टाइम चाहिए होगा आपको। देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये लोड हो रहा है। और ये जो एप्लीकेशन और जो इमेज फाइल की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा सब कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से जैसे मैं चला रहा हूँ आप लोग भी ऐसे ही चला सकते हैं। देखिए आपको सिर्फ वेट करना है, 2-3 मिनट तक आपको सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए ये अब ऐसे ये खुल गया, आपका XP ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया।
तो ऐसे करके आप 10 भी चला सकते हैं, 7, 8, 8.1 कुछ भी चला सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर यही पसंद है तो कोई बात नहीं, एक कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।